नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं विश्व इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी और यह व्यवस्था क्यों असफल हो गई। तो नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण विश्व इतिहास का प्रश्न। तो यह क्या थी, तो यह देखिए नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था ब्रिटेन की आर्थिक नाकेबंदी की एक योजना थी। इस योजना का उद्देश्य था ब्रिटेन के व्यापार को हानि पहुंचाकर उसे कमजोर करना, क्योंकि नेपोलियन जो था वो सीधे युद्ध में ब्रिटेन को पराजित नहीं कर सकता था। इसलिए उसकी यह योजना थी कि ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमजोर करके उसे एक कमजोर देश बना दिया जाए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज या किसी भी देश की उन्नति इस बात पर निर्भर होती है कि वह आर्थिक रूप से कितना कमजोर है या कितना सक्षम है। तो नेपोलियन यह चाहता था कि ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाए, इसलिए उसने महाद्वीपीय व्यवस्था लाई। और नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था के तहत इंग्लैंड के जहाजों एवं सामानों को यूरोप के बंदरगाहों का प्रयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया। इस योजना को और कड़ा करते हुए नेपोलियन ने 1807 ईस्वी में मिलान आज्ञा पत्र एक जारी किया और इस आज्ञा पत्र के तहत उसने यह नियम लाया कि यदि किसी भी देश का जहाज, विश्व के किसी भी देश का जहाज यदि इंग्लैंड के बंदरगाह से होकर आ रहा है तो उसे पकड़कर उसका माल जब्त कर लिया जाएगा। ऐसा आज्ञा पत्र जारी किया नेपोलियन ने 1807 ईस्वी में मिलान आज्ञा पत्र के तहत। तो नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी, तो यह व्यवस्था थी ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमजोर करने की, और वो कमजोर इस तरह से हो सकता था कि उसका आयात निर्यात ही ब्रिटेन का प्रतिबंधित कर दिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण है कि यह व्यवस्था क्यों असफल हो गई। तो महाद्वीपीय व्यवस्था के असफल होने के देखिए 6 मुख्य कारण थे। पहला यह था कि नेपोलियन के पास इतनी बड़ी नौसेना नहीं थी कि वह इंग्लैंड के सामुद्रिक व्यापार को पूर्ण रूप से नाकेबंदी कर सके, क्योंकि फ्रांस ब्रिटेन की तुलना में एक कम शक्तिशाली देश था, उसकी नौसेना भी कमजोर नहीं थी, और चूंकि इंग्लैंड और यूरोप चारों तरफ से समुद्र से घिरे हैं तो ये फ्रांस के बस की बात नहीं थी कि वह इंग्लैंड को चारों तरफ से उसकी नाकेबंदी कर सके, तो क्योंकि उसकी नौसेना कम थी। दूसरा कि नेपोलियन यह तथ्य भूल गया कि इंग्लैंड के उपनिवेश पृथ्वी के हर हिस्से में मौजूद हैं, एवं जब तक इन उपनिवेशों पर प्रतिबंध नहीं लगता यह व्यवस्था सफल नहीं हो सकती थी। यह दूसरा कारण था महाद्वीपीय व्यवस्था असफल होने का। तीसरा कारण यह था कि इस व्यवस्था के कारण यूरोप में वस्तुओं की भारी कमी हो गई और फ्रांस का उद्योग इतना विकसित नहीं था कि वह यूरोप में वस्तुओं की मांग को पूरा कर सके। अतः वस्तुओं की तस्करी, वस्तुओं की कालाबाजारी बहुत बड़े पैमाने पर हो गई। चूंकि यूरोप चारों तरफ समुद्र से घिरा है, इसलिए फ्रांस उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता था, तस्करी पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता था, उसे रोक नहीं सकता था। चौथा कारण यह था इसके असफल होने का कि इंग्लैंड में खाद्यान्न का घोर अभाव था, जबकि नेपोलियन ऊंची कीमत पर खाद्यान्न इंग्लैंड को बेच रहा था, क्योंकि नेपोलियन की सोच थी कि इंग्लैंड का धन फ्रांस लाया जाए, और जब इंग्लैंड का धन फ्रांस आएगा तो फ्रांस समृद्ध होगा और इंग्लैंड कमजोर हो जाएगा। जबकि वह उसे सोचना यह चाहिए था नेपोलियन को कि अगर इंग्लैंड में अनाज की कमी है और यह कमी और लंबे समय तक बनी रहती तो वहाँ लोग भूखों से मरने लगते, हाहाकार मच जाता और मजबूरन इंग्लैंड को फ्रांस से संधि करनी पड़ती। तो ये थी नेपोलियन की चौथी कमी जिसके कारण महाद्वीपीय व्यवस्था असफल हो गई। पांचवा देखिए कि नेपोलियन इस व्यवस्था को
अपने देश में तो लागू कर सकता था, किंतु यूरोप के दूसरे देशों पर दबाव डालकर इस व्यवस्था को लंबे समय तक जारी नहीं रख सकता था, क्योंकि सभी देश स्वतंत्र थे और बहुत लंबे समय तक नेपोलियन की बात नहीं मान सकते थे। छठा की नेपोलियन, देखिए इंग्लैंड की समुद्री निरंकुशता से बचने के लिए यूरोप के देश कुछ समय तक कष्ट सह लें। नेपोलियन ने यह कहा कि यूरोप के देश कुछ समय तक कष्ट सह लें और इंग्लैंड की सामुद्रिक निरंकुशता से बचने के लिए, किंतु नेपोलियन स्वयं कुछ व्यापारों पर परमिट जारी करने लगा तथा ऊंची चुंगी भी लगाने लगा। इससे क्या है, स्पेन, पुर्तगाल, तुर्की, रूस, हॉलैंड इत्यादि देश ब्रिटेन के साथ चले गए। तो ये छह मुख्य कारण था जिसके कारण महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन की असफल हो गई। तो आज इतना है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।